नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आनंद मोहन को अब बड़ी कामयाबी मिलनी है। जी हां, उनकी पूर्ण रिहाई की जो फाइल है मुख्यमंत्री के पास अप्रूवल के लिए पहुंच गई है। आपको पता है कि करीब 5 दिन पहले जो है आनंद मोहन जो है पैरोल पर अपने बेटे चेतन आनंद की शादी के लिए पैरोल पर रिहा हुए हैं, लेकिन बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन करके आनंद मोहन की पूर्ण रिहाई का जो मामला है वो साफ कर दिया है और किसी भी समय, आज हो या कल तक हो, यानी कि 24 से 72 घंटे के अंदर किसी भी समय अप्रूवल की जो फाइल पहुंची है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के पास, वो अपना दस्तखत कर देंगे और उसके बाद ये फाइल जो है राज्यपाल के पास जाएगी और राज्यपाल जैसे ही उस पे दस्तखत करेंगे आनंद मोहन पूर्ण रूप से रिहा हो जाएंगे। दरअसल आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सोमवार को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। ये बैठक गृह अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक के बाद अब ये फाइल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास भेजी गई है। मुख्यमंत्री से अप्रूवल मिलने के बाद अब बाहुबली नेता की रिहाई का रास्ता साफ हो जाने की उम्मीद जताई जा रही है। उनकी रिहाई को लेकर 2 स्तरीय बैठक कर ली गई है। वही मुख्यमंत्री के पास अप्रूवल मिलने के बाद ये मामला राज्यपाल के पास जाएगा। वहां से अंतिम रूप से अनुमोदन मिलने के बाद आनंद मोहन की रिहाई हो पाएगी। राज्य स्तरीय 6 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, जबकि इनमें सदस्य के तौर पर विधि विभाग के सचिव, जेल IG, हाईकोर्ट से नामित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, DGP के स्तर से नामित कोई एक IG रैंक के अधिकारी और परिवीक्षा सेवा के निदेशक होते हैं। मालूम हो कि बिहार की रिमिशन परिहार की पॉलिसी 1984 में 2002 में दो बड़े बदलाव किए गए थे। बदलाव के तहत 5 कैटेगरी के कैदी को नहीं छोड़ने का प्रावधान शामिल किया गया था। ये ऐसे कैदी होते हैं जो 1 से अधिक मर्डर, डकैती, बलात्कार, आतंकवादी साजिश रचने और सरकारी अधिकारी की हत्या के दोषी होंगे, उन्हें छोड़ने का निर्णय सरकार लेगी। सरकार ने 10 अप्रैल को बड़ा बदलाव किया है। बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481 में संशोधन करके उस वाक्यांश को हटा दिया गया है जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था, जिसके बाद लोक सेवक की हत्या के मामले में जेल में बंद शिवहर से पूर्व सांसद एवं बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई जल्द होने वाली है। इसके लिए गुरुवार को राज्य स्तरीय बंदी परिहार समिति की बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में अंतिम निर्णय क्या लिया गया है इसकी कोई आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, न ही इसके बारे में कोई जानकारी साझा की गई है। तो आपने देखा ये खास रिपोर्ट आनंद मोहन की, किसी भी समय पूर्ण रूप से रिहाई के हकदार होंगे जैसे ही अप्रूवल जो पहुंचा है, अप्रूवल की फाइल जो पहुंची है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास, वो साइन करके राज्यपाल के पास भेजेंगे और राज्यपाल जैसे ही उस पर दस्तखत करेंगे आनंद मोहन अब जेल से रिहा हो जाएंगे। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री ऑफिस से लेकर राज्यपाल के ऑफिस तक ये फाइल कितने दिन में पहुंचती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए बिहार संवाददाता।